भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी अगर कोई व्यक्ति वंचित है, कोई वर्ग वंचित है, कोई क्षेत्र वंचित है, तो उस वंचित को हमारी सरकार सबसे ज्यादा वरीयता दे रही है। जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और तभी रीचिंग द लास्ट माइल का लक्ष्य भी आप पूरा कर पाएंगे। आज देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। साल 2014 तक देश की एक बड़ी आबादी के पास पक्का घर नहीं था। टॉयलेट के अभाव के कारण हमारी बहनों को कितने कष्ट उठाने पड़ते थे। लकड़ी पानी के इंतजाम में ही बहनों का पूरा समय चला जाता था। गरीब के लिए अस्पताल की कमी थी, अस्पताल में इलाज महंगा था। हमने एक एक करके इन समस्याओं का समाधान किया। गरीब को अपना पक्का घर मिला, बिजली गैस कनेक्शन मिला, टॉयलेट मिला, अब हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है। घर गांव के निकट अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है। यानी आज हम अपने युवाओं को हर वो साधन दे रहे हैं जो आने वाले 25 साल के संकल्प सिद्ध करने में उनकी मदद करेंगे। नई सरकार बनने के बाद देश के सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। सस्ती दवाइयां, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त डायलिसिस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी पहली बार करोड़ों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी अन्य योजना पर खर्च कर रही है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुष्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था, अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। सोचिए, हमने कितने ही गरीबों को
और गरीब होने से बचा लिया है। जेम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने मिलकर एक बड़ी बीमारी का इलाज भी किया है। ये बीमारी है भ्रष्टाचार की बीमारी है। पैसे ऊपर से चलते थे लेकिन गरीब तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते थे, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा जिसके नाम से निकलता है उसके खाते में पहुंचता है, उसी समय पहुंचता है। अलग अलग योजनाओं में अब तक डीबीटी के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी, ये सभी प्रोटेक्टिव शील्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है वो उसे जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूं यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। डीबीटी हो, बिजली पानी टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं।